Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, राष्ट्रीय ब्लाइंड यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। ब्लाइंड से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है राष्ट्रीय ब्लाइंड यूट्यूब चैनल। नोटिफिकेशन को ऑन करें जिससे कि हमारी कोई भी वीडियो आपसे आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो आइए चलते हैं। डबल टैप टू एक्टिवेट। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और स्वागत है आप लोगों का राष्ट्रीय ब्लाइंड यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल। दोस्तों, लेके आ गया हूं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। लेकिन गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पर सेट करना ना भूलें, जिससे कि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जरूर पहुंचे। और जी हां गाइस, अभी तक आप लोगों ने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो हमारे अबाउट पेज में हमारे व्हाट्सएप चैट का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप हमें कॉन्टैक्ट करके हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और फीमेल के लिए भी अलग से ग्रुप बनाया गया है तो फीमेल भी हमें कॉन्टैक्ट करके हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकती हैं। गाइज, वैसे हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9654223684, 9654223684, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। तो गाइज, वीडियो को शुरू करने से पहले एक चीज़ और, अगर आप लोगों ने हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है QCL वाला, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग उसको भी जाकर सब्सक्राइब करें। गाइज, उस यूट्यूब चैनल पर आपको डेली करंट अफेयर्स मिलेंगे। चलिए गाइस, हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो की ओर। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप ऑडियो लैब के माध्यम से किसी भी टेक्स्ट मैसेज को ऑडियो में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। जी हाँ गाइस, इससे पहले भी मैंने ऑडियो लैब के दो पार्ट बना रखे हैं, अगर आप लोगों ने वो दो पार्ट नहीं देखे हैं तो हमारी टेक्नोलॉजी वाली प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। तो चलिए गाइस, हम चलते हैं ऑडियो लैब में, देख लेते हैं किस तरीके से हमें टेक्स्ट को ऑडियो में कन्वर्ट करना है। ठीक है, चलिए चलते हैं ऑडियो लैब में। और जी हाँ गाइस, इससे पहले जो लोग जानते हैं वो लोग वीडियो को स्किप कर सकते हैं, लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करके जाएं और हमारा दूसरा चैनल जरूर विजिट करें। और जो लोग जानना चाहते हैं किस तरीके से ऑडियो लैब से टेक्स्ट को ऑडियो में कन्वर्ट किया जाता है तो वो लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखें, बीच में स्किप करके या फिर भगा करके ना देखें। चलिए गाइस, हम चलते हैं ऑडियो लैब में, देख लेते हैं किस तरीके से हमें करना है ना। तो हम ऑडियो लैब में चलेंगे। आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, सिंपली सर्च करेंगे ऑडियो लैब तो ये आपको मिल जाएगा है ना। इसके पहले भी मैंने दो पार्ट इस पे बना रखे हैं, तो ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये ऑडियो लैब का तीसरा पार्ट है ना। तो चलिए इसको ओपन कर लेंगे। तो इस तीसरे पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि टेक्स्ट मैसेज को ऑडियो में किस तरीके से कन्वर्ट हम कर सकते हैं। तो चलिए, ऑडियो लैब को मैंने ओपन कर लिया है। तो अब हमें चलना है टेक्स्ट टू स्पीच वाले ऑप्शन में। ठीक है, तो चलिए टेक्स्ट टू स्पीच वाले ऑप्शन में चलेंगे। एक मिनट, तो इसमें थोड़े ऐड भी आ जाते हैं, तो इसको मैं बैक करके दोबारा से ओपन करूंगा है ना। चलिए इसको दोबारा से ओपन कर लूंगा, इसमें थोड़े ऐड भी आ जाते हैं, मैंने इसको परचेस नहीं कर रखा है, यानी इसका मेरे पास क्रैक वर्जन नहीं है ना। तो चलिए हम चलेंगे ट्रिम ऑडियो, यहाँ से आप ऑडियो काट सकते हैं। बाकी मैंने ये शायद पार्ट वन या पार्ट टू में आपको दिखाया था है ना। मिक्स ऑडियो, मर्ज ऑडियो, मर्ज कर रहा हूं मैंने आपको उसमें सिखाया था। ठीक है, तो चलिए टेक्स्ट टू स्पीच वाले ऑप्शन में चलेंगे। ऑडियो लैब में बहुत सारे ऑप्शन है ना, बहुत से ऑप्शन इसमें मैंने भी नहीं देखे। इसमें ऑडियो लैब में बहुत कुछ आप कर सकते हो है ना, तो मैंने इसके ऑलरेडी दो पार्ट बना रखे हैं। चलिए टेक्स्ट टू स्पीच वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे और देख लेते हैं किस तरीके से करना है आपको और क्या क्या ऑप्शन इसमें है। ठीक है, चलिए मैं क्लिक करूंगा Text to speech. ठीक है, Navigate up. तो Text to speech. तो ये तो खैर इसका टाइटल है। देखिए यहाँ से आप वॉल्यूम को एडजस्ट कर सकते हैं, वॉल्यूम कम एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो और ऑप्शन देख लेते हैं। Import text है ना, तो ये भी फिलहाल कुछ काम का नहीं है, इसको मैं दिखा दूंगा आपको है ना। Info, ये भी इन्फो में इसके बारे में बताया गया है, मतलब इसके बारे में दिखाया है। ठीक है,
एट टेक्स्ट एंड देन प्ले, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई टेक्स्ट है तो आपने अगर कॉपी कर रखा है तो इसको यहाँ पर पेस्ट भी कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लेते हैं स्पीच सर्विसेज बाय गूगल ड्रॉप डाउन लिस्ट स्पीच एंजन। तो यहाँ से आप टेक्स्ट टू स्पीच को चेंज कर सकते हैं, यानी बाय डिफॉल्ट में तो ये गूगल टेक्स्ट टू स्पीच सेलेक्ट रहता है, ठीक है। इसी के आवाज में अगर हम टेक्स्ट को ऑडियो में करेंगे तो इसी की आवाज में होगा। आप चाहे तो यहाँ से टेक्स्ट टू स्पीच को चेंज कर सकते हैं अगर आपको गूगल टेक्स्ट टू स्पीच की आवाज में ऑडियो नहीं बनानी है तो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं तो यहाँ से ये ऑडियो लैब की लैंग्वेज है, यहाँ से आप लैंग्वेज चूज कर सकते हो। लैंग्वेज आपको वही चूज रखनी है जो आपने टेक्स्ट टू स्पीच की लैंग्वेज रख रखी होगी, वो लैंग्वेज आपको यहाँ पर भी सेलेक्ट करनी है, ठीक है। लैंग्वेज में बहुत सारी है, ठीक है। तो लैंग्वेज वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक नहीं करूँगा, उस पर आप खुद ही देख लीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद बताएगा मतलब टॉकबैक की लैंग्वेज जो हमारे टेक्स्ट टू स्पीच की लैंग्वेज होगी वो बताएगा, देखते हैं। हिंदी इंडिया ड्रॉप डाउन लिस्ट वॉइस है ना, आपका मैसेज आया, तो ये कह रहा है एक मिनट दोबारा दिखाता हूँ। हिंदी इंडिया ड्रॉप डाउन लिस्ट वॉइस, हिंदी इंडिया ड्रॉप डाउन लिस्ट वॉइस। तो ये हमारे टॉकबैक की लैंग्वेज है, यहाँ से आप टॉकबैक की लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हो। और ये जो हमारी लैंग्वेज है अगर जो भी टॉकबैक की लैंग्वेज है यहाँ से आपको वही लैंग्वेज सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं हिंदी इंडिया ड्रॉप डाउन लिस्ट वॉइस, ठीक है। आउटपुट फोल्डर डबल टैप, यहाँ से फोल्डर वगैरह देख सकते हो, तो फिलहाल ये भी कोई काम का नहीं है, ठीक है। डाउनलोड वॉइस डेटा, ठीक है, ये भी कोई काम का नहीं है। पिच, यहाँ से आप पिच को मतलब मोटा पिच को एडजस्ट कर सकते हो, आवाज मोटी पतली कर सकते हो, ठीक है। तो 50% पिच सीक्वल स्लाइडर, 50% मैंने 50% कर रखी है, स्वाइप डाउन टू एडजस्ट, आप उसको स्वाइप अप स्वाइप डाउन करके भी कर सकते हो और वॉल्यूम की से भी घटा बढ़ा सकते हो, ठीक है। अगर आपको थोड़ा आवाज मोटा करना है पतला करना है वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। फिलहाल मैंने 50% कर रखा है, यानी 50% मैंने कर रखा है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, तो अब देखिए ये स्पीड है, यहाँ से आप स्पीड को कम तेज कर सकते हैं। मैंने फिलहाल 50% कर रखा है तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो, ठीक है। देख लेते हैं 50% स्पीड सीक्वल स्लाइडर, ठीक है। तो स्वाइप अप और स्वाइप डाउन टू एडजस्ट, तो अभी फिलहाल मैंने यही कर रखा है। चलिए तो यहाँ से देखिए, जैसे आपने कोई टेक्स्ट को मतलब कोई टेक्स्ट यहाँ पर लिख रखा है तो यहाँ पर आप प्ले करके देख सकते हैं, ठीक है। तो प्ले करके आप देख सकते हैं, और इसके बाद वाला ऑप्शन है सेव, ठीक है। सेव जैसे मान लो आपने कोई टेक्स्ट को ऑडियो में मतलब कोई टेक्स्ट लिख दिया है उसको ऑडियो बनाने के लिए आपको यहाँ पर सेव करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्रिएट पे क्लिक कर देंगे तो आपका जो है वो टेक्स्ट ऑडियो में कन्वर्ट होकर के आपकी ऑडियो फाइल में चला जाएगा, ठीक है। चलिए और ऑप्शन तो खैर आपको ये ऑप्शन नहीं है, तो चलिए अब मैं यहाँ से यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिख लेता हूँ, ठीक है। हिंदी सब मैंने आपको दिखा दिया है। चलिए टेक्स्ट लिखने से पहले मैं आपको इसमें कुछ ऑप्शन दिखा देता हूँ और विस्तार से आपको समझा देता हूँ, ठीक है। यहाँ से आप स्पीच मतलब चेंज मतलब ये सॉरी टेक्स्ट टू स्पीच को चेंज कर सकते हो। देखिए चलिए क्लिक करेंगे इस पे, ठीक है। स्पीच सर्विसेज बाय गूगल, ये तो खैर बाय डिफॉल्ट सेट रहता है, ठीक है। अगर आपको इसकी आवाज में ऑडियो नहीं बनानी है तो आपके पास दूसरे टेक्स्ट टू स्पीच है तो आप उन्हें सेट कर सकते हैं। देखिए तो मैं ETA Eloquence TTS की आवाज में भी कर सकता हूँ, वोकलाइजर TTS की आवाज में भी कर सकता हूँ, बट मैं गूगल टेक्स्ट टू स्पीच की आवाज में ही ऑडियो बनाऊंगा, तो यहाँ से मैं बैक कर लूंगा, ठीक है। टेक्स्ट टू स्पीच आपका मैसेज आया है, स्पीच सर्विसेज बाय गूगल ड्रॉप डाउन लिस्ट, चलिए हिंदी इंडिया, यहाँ से आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। लैंग्वेज आपको वही रखनी है जिस लैंग्वेज में आप ऑडियो में बनाना चाहते हो, यानी जो आपके टेक्स्ट टू स्पीच की लैंग्वेज हो, जो आपने टेक्स्ट टू स्पीच लैंग्वेज सेलेक्ट कर रखी हो, ठीक है। तो यहाँ से आप अपने टेक्स्ट टू स्पीच की भी लैंग्वेज देख सकते हो, हिंदी इंडिया ड्रॉप डाउन लिस्ट वॉइस। तो हमारे टॉकबैक की लैंग्वेज है, मैंने हिंदी इंडिया कर रखा है तो इसलिए मैंने यहाँ पर भी हिंदी इंडिया कर रखा है, ठीक है। चलिए Add text and then play. Info वाला ऑप्शन मैं आपको दिखा देता हूँ, बाकी पिच स्पीड प्ले सेव ये सब तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। इन्फो मैं आपको दिखा देता हूँ, बट अभी ये इन्फो हमारे कोई काम का नहीं है, इसमें बस खाली दिखाया बताया गया है। मैं क्लिक करता हूँ, प्लीज रीड केयरफुली,
प्लीज रेट कीफुली देखिए। ऑडियो लैब यूजेस योर डिवाइस टेक्स्ट टू स्पीच इंजन। लैंग्वेज एंड वॉइसेस डिपेंड ऑन योर डिवाइस स्पीच इंजन। हाईली रेकमेंड यू इंस्टॉल एंड यूज गूगल स्पीच इंजन। इट हैज बेस्ट कंपैटिबिलिटी विद ऑडियो लैब। चलिए तो यही बताया गया गाइस, इसमें और कुछ नहीं है। टॉक बटन तो यहां से ओके कर देंगे है ना। ये ऑडियो लैब के मतलब इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, Add text and then play, edit text and then play, तो यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पर कुछ लिख लूंगा। ठीक है, तो अगर जैसे आपके पास कोई टेक्स्ट हो, आपने पहले से कॉपी कर रखा हो उसको, तो यहाँ पर आकर सीधा पेस्ट कर सकते हैं। फिलहाल अभी मैंने कोई कॉपी नहीं किया है, तो मैं इसको यहाँ पर कुछ छोटा सा टेक्स्ट लिख लेता हूँ और उसको ऑडियो में कन्वर्ट करता हूँ। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर मैं अभी यहाँ कुछ टाइप कर लेता हूँ है ना। तो चलिए गाइस, यहाँ मैंने टाइप कर लिया है, है ना। तो देख लेते हैं मैंने जो टाइप किया वो लिखा है कि नहीं। एक मिनट, एक मिनट। गुड मॉर्निंग राहुल, तो मैंने गुड मॉर्निंग राहुल ये लिख रखा है। फिलहाल मैं छोटा सही लिखा हूँ, तो मैं इसको ऑडियो में बनाऊंगा। ठीक है, चलिए इसको ऑडियो बनाने के लिए हमें चलते रहना है, तो हमें सेव पे क्लिक करना है। ठीक है, बाकी मैं प्ले भी करके दे सकता, मैं 50% स्पीड प्ले भी करके देख सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने पिच स्पीड वगैरह तो आपको दिखाई दिया है। अगर आपको आवाज मोटी पतली करनी है, स्पीड कम तेज करनी है, वो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो प्ले करके देख सकते हैं। बाकी मैं प्ले नहीं करूंगा, मैं इसको डायरेक्ट सेव करूंगा क्योंकि मैंने इसको पढ़ लिया है। ठीक है, तो सेव पे क्लिक कर देंगे। ऑडियो नेम, गुड मॉर्निंग राहुल _TTS, एडिट बॉक्स ऑडियो नेम। तो यहाँ से मैं ऑडियो नेम भी एडिट कर सकता हूँ, बट मैं नहीं करूंगा। और हाँ, आपको एक चीज और बता दूं कि इसी नाम से सेव होगा। जैसे मैंने जो टेक्स्ट लिखा है, इसी नाम से ये हमारी ऑडियो फाइल में सेव होगा। ठीक है, तो अब मैं इसको क्रिएट पे क्लिक कर देता हूँ। हमें पीछे की तरफ स्वाइप करना पड़ेगा, हमें क्रिएट का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए 0100 सेंटर व्यू कंटेनर, एक मिनट, ऑडियो नेम क्रिएट बटन। चलिए क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। टेक्स्ट टू स्पीच, राहुल आपका मैसेज आया है। राहुल टीटीएस, तो यहाँ पर ये हमारी ऑडियो फाइल में आ गया है। ठीक है, अब यहाँ से भी मैं इसे प्ले कर सकता हूँ। परचेस ऑडियो लैब, ठीक है। तो अभी हमारे मेरे पास परचेस नहीं है, तो ये सब आप कोई कोई काम के नहीं है। रेट शेयर, ठीक है, तो मैं बैक करता हूँ। ठीक है, बैक करके अपने फाइल मैनेजर में चलता हूँ, देखते हैं ये फाइल मैनेजर में आया है कि नहीं। ठीक है, चलिए फाइल मैनेजर में चलेंगे और अपने ऑडियो फाइल में इसको देख लेंगे। ठीक है, एक मिनट, तो चलिए मैं इसको बैक करूंगा। ठीक है, ऑडियो लैब राहुल आपका मैसेज आया है, टेक्स्ट टू स्पीच, एक मिनट, तो ऑडियो लैब से मैं पूरा बैक आ जाऊंगा। नेविगेशन, चलते हैं फाइल मैनेजर में, देख लेते हैं कि ये हमारी ऑडियो फाइल में सेव हुआ है कि नहीं। ठीक है, फोन टू रिकॉर्ड टेलीग्राम, तो चलिए फाइल मैनेजर पे मैं क्लिक करूंगा। ठीक है, इसी नाम से सेव होगा, जिस नाम से जो नाम मैंने मतलब जो टेक्स्ट मैंने लिखा है इसी नाम से सेव होगा। क्लिक करेंगे, ठीक है, तो चलिए फाइल मैनेजर को मैंने ओपन कर लिया है, तो मैं ऑडियो फाइल में चलूंगा। रीसेंट डॉक्यूमेंट, तो चलिए ऑडियो, ऑडियो पे क्लिक करेंगे। फाइल मैनेजर, तो देखिए पहला ही हमारा वही ऑडियो रहेगा। ठीक है, ऑडियो टाइटल बार, गुड मॉर्निंग राहुल _TTS.web, तो गुड मॉर्निंग राहुल _TTS इस नाम से सेव हुआ है। तो मैं इसको आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखिए, गुड मॉर्निंग राहुल, ये देखिए ये प्ले भी हो गया है। दोबारा से प्ले करूंगा मैं इसे, रीप्ले वीडियो, गुड मॉर्निंग राहुल। ठीक है, चलिए अब मैं बैक आता हूँ और अपने होम पेज पे आता हूँ और आपको कुछ बातें ही बताता हूँ और इसको मुंह जवानी रिपीट भी करता हूँ। ठीक है, फाइल मैन, चलिए बैक करेंगे। फाइल मैन नेविगेशन, आईओएस लॉन्चर, चलिए अब मैं अपने होम स्क्रीन पे आ जाता हूँ। ठीक है, तो चलिए गाइस, इसमें मुझे वाली रिपीट करने से पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं कि अगर आपने आपके पास ऑडियो लैब का क्रैक वर्जन नहीं है, यानी आपने अगर ऑडियो लैब को प्रोसेस नहीं कर रखा है, अगर आप ऑडियो लैब के माध्यम से ऑडियो मर्च करते हो या फिर ऑडियो को वीडियो में करते हो, कुछ भी काम करते हो, तो आपको अपने मोबाइल का डेटा ऑफ कर लेना है, जिसकी है ना। नहीं तो अगर मोबाइल का डेटा ऑफ नहीं करेंगे तो आपको ऑडियो लैब में एड शो हो सकते हैं। ठीक है, जैसे आप ऑडियो मर्च करते हो तो
ऑडियो मर्ज करते समय अगर आपका मोबाइल डेटा ऑन रहता है और आपने ऑडियो लैब को प्रोसेस नहीं कर रखा है, यानी आपके पास उसका क्रैक वर्जन नहीं है, तो आपको ऐड देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आप ऑडियो लैब से ऑडियो मर्ज वगैरह करते हो तो आपको डेटा अपना ऑफ रखना है ताकि आपको किसी भी तरीके की ऐड इसमें शो ना हो, ठीक है। तो चलिए गाइस, ये तो मैंने आपको बता दिया है, अब हम इसको मुझे बनी रिपीट कर लेते हैं। तो अगर आपको ऑडियो लैब से आपको टेक्स्ट में किसी टेक्स्ट को ऑडियो बनाना है तो आपने सिंपली करना क्या है, ऑडियो लैब को ओपन कर लेना है। ऑडियो लैब को ओपन करने के बाद आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन आपको जाना है टेक्स्ट टू स्पीच वाले ऑप्शन में, ठीक है। टेक्स्ट टू स्पीच वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे टेक्स्ट लिखने के लिए भी, टेक्स्ट एंड दिन प्ले, वहाँ से आप टेक्स्ट लिख सकते हो और वहाँ से आप टेक्स्ट टू स्पीच को भी चेंज कर सकते हो और वहाँ से आप लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हो। ऑडियो लैब की लैंग्वेज आपको वही रखनी है जो आपने टेक्स्ट टू स्पीच की लैंग्वेज रख रखी होगी। एक ऑप्शन आएगा ड्रॉप डाउन लिस्ट, है ना, फिर उसके बाद लैंग्वेज बताएगा, उसके बाद आएगा ड्रॉप डाउन लिस्ट, जो भी आपके टेक्स्ट टू स्पीच की लैंग्वेज रहेगी। इसे मेरे टेक्स्ट टू स्पीच की लैंग्वेज है हिंदी, तो बोलेगा ड्रॉप डाउन लिस्ट हिंदी इंडिया वॉइस, वॉइस बोलेगा तो आपके टेक्स्ट टू स्पीच की लैंग्वेज रहेगी और उसके उससे पहले वो आपके ऑडियो लैब की लैंग्वेज रहेगी जो आपको उसको चेंज करना है। आपको लैंग्वेज वही रखनी है जो आपने अपने टेक्स्ट टू स्पीच की लैंग्वेज सेलेक्ट कर रखी होगी, ठीक है। उसके बाद आप पिच स्पीड वगैरह को एडजस्ट कर सकते हो, स्पीड कम तेज कर सकते हो, पिच अपने हिसाब से घटा बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद आपने करना क्या है, टेक्स्ट को लिख देना है, जो भी आपको टेक्स्ट है उसको लिख देना है टेक्स्ट एंड देन प्ले पे जा करके, ठीक है, एडिट बॉक्स पे जो बोलता है टेक्स्ट एडिट बॉक्स, वहाँ पे आपको कुछ लिख लेना है। अगर आपके पास पहले से ही कोई टेक्स्ट है तो वहाँ से अगर आपने कॉपी कर रखा है तो डायरेक्ट पेस्ट कर सकते हो। उसके बाद अगर आप टेक्स्ट लिखने के बाद आप स्वाइप स्वाइप करते रहेंगे तो वहीं पर आपको प्ले करने का ऑप्शन मिलेगा, नहीं तो आप प्ले भी कर सकते हैं और उधर वहीं पर आपको सेव करने का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप सेव कर देंगे डायरेक्ट, वो सेव हो जाएगा। उसके बाद लेफ्ट राइट स्वाइप करेंगे तो क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो आपका क्रिएट भी हो जाएगा, ठीक है। क्रिएट होने के बाद जिस नाम से आप जो भी आप टेक्स्ट लिखोगे उसी नाम से वो आपके ऑडियो फाइल में सेव हो जाएगा, तो आप ऑडियो फाइल में जाकर के उसको प्ले करके सुन सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से ऑडियो लैब के माध्यम से आप टेक्स्ट को ऑडियो बना सकते हो। हाँ, एक चीज़ मैं आपको और बताना भूल गया कि आप टेक्स्ट टू स्पीच को भी चेंज कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट गूगल टेक्स्ट टू स्पीच रहता है, तो आप अपने हिसाब से टेक्स्ट टू स्पीच को भी चेंज कर सकते हो, ठीक है, आपके पास अगर दूसरे टेक्स्ट टू स्पीच है तो। तो चलेगा इस, मैंने मुझे बानी रिपीट भी कर लिया है और आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखाया। और आपको मैं एक चीज़ बता दूँ कि इससे पहले ही मैंने T2S रीडर के ऊपर वीडियो बना रखी है, तो T2S रीडर के माध्यम से भी आप ऑडियो को मतलब टेक्स्ट को ऑडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने हमारी वो वाली वीडियो नहीं देखी हो तो हमारी टेक्नोलॉजी वाली प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। तो गाइस, कैसी लगी वीडियो, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और हाँ 15 लाइक का टारगेट है, पूरा जरूर कीजिएगा। और तो चलिए गाइस, अगर इस वीडियो को लेकर के आपके मन में कोई सवाल हो, कोई डाउट हो, तो हमें अबाउट पर से कॉन्टेक्ट करें या फिर हमें कॉमेंट कर दें, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ किसी और कार्यक्रम में, तब तक के लिए गाइस बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को वॉच करने के लिए, थैंक यू।